हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल हैज वेलोसिटी 6i माइनस 4j प्लस 8k मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी 2i माइनस 5j मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड. इसको करना है, स्टार्ट करिए. बताइए क्या आ रहा है आंसर. पहले तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी वेलोसिटी गिवन है या किसको हम कौन सा फ्रेम मान सकते हैं. बॉल हैज वेलोसिटी 6i माइनस 4j प्लस 8k मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी 2i माइनस 5j मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड. ट्रेन हमारा कैसा फ्रेम है? इनर्शियल मूविंग फ्रेम. मूविंग फ्रेम इनर्शियल तो लेना ही है ना, वो तो सब है ही. अब इनर्शियल ही कंसीडर करना है. कंसीडर अ ट्रेन एज अ मूविंग फ्रेम दैट इज एस डैश. तो हमारा जो ट्रेन है वो एस डैश फ्रेम है. और ग्राउंड कैसा फ्रेम होगा? मैम 8i माइनस 9j प्लस 8k हुआ क्या? 8i माइनस 9j प्लस 8k बिल्कुल ठीक है. हाँ जी. और हमारा जो ग्राउंड है वो हमारा स्टेशनरी फ्रेम है. स्टेशनरी फ्रेम को हम S से डिनोट करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं. अ बॉल हैज वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी दी है, मतलब u दिया है. u है या u डैश है आगे लैंग्वेज से पता लगेगा. 6i माइनस 4j प्लस 8k मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ट्रेन. ट्रेन हमारा मूविंग है तो मतलब हमें u डैश दिया है. मूविंग विद वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी दी है, v वेलोसिटी से चल रहा है, 2i माइनस 5j मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल की वेलोसिटी पूछी है रिलेटिव टू ग्राउंड मींस यू पूछा है. तो गिवन क्या क्या है? यू डैश गिवन है 6i माइनस 4j प्लस 8k. वी गिवन है 2i माइनस 5j. यू पूछा है. ठीक है. u डैश इक्वल टू u माइनस v होता है तो u इक्वल टू u डैश प्लस v होगा. तो u डैश की वैल्यू पुट कर देंगे 6i माइनस 4j प्लस 8k. प्लस v की वेलोसिटी रख देंगे 2i माइनस 5j. u इक्वल टू हो जाएगा 8i माइनस 9j प्लस 8k मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो सबका ही हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यस मैम. हाँ चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है. Consider a ship moving with uniform velocity of 18 meter per second relative to earth. Let the ball be rolled at a speed 2 meter per second relative to ship in the direction of motion of ship. Find the speed of ball relative to earth. करिए और आंसर बताइए मुझे. क्या क्या है? कंसिडर अ शिप मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो शिप दिया है, मूविंग दिया है, तो वी गिवन है 18 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू अर्थ. अर्थ तो शिप हमारा एस डैश फ्रेम हो गया और अर्थ हमारा एस फ्रेम हो गया. वी गिवन है 18 मीटर पर सेकेंड. Let the ball rolled at a speed of 2 meter per second relative to ship. तो बॉल दी है
यानी पॉइंट पी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बॉल दिया है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है रिलेटिव टू शिप, तो मूविंग ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो यानी कि हमें यू डैश गिवन है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द शिप, जिस डायरेक्शन में वी है उसी डायरेक्शन में यू है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस कंसीडर कर लेते, माइनस साइन, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल यू पूछा है रिलेटिव टू अर्थ एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो सेम वही है यू इक्वल टू यू डैश प्लस वी यूजिंग इनवर्स गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होता तो यू डैश इक्वल टू यू माइनस है ना, तो इनवर्स यूज कर रहे हैं, तो यूजिंग इनवर्स गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यू इक्वल टू यू डैश प्लस वी, यू डैश हमारा 18 दिया है, वी हमारा 2 दिया है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, तो सभी का आ गया होगा ये। नेक्स्ट करते हैं। यस मैम। द पोजिशन ऑफ पॉइंट इन फ्रेम एस डैश मूविंग रिलेटिव टू एस with constant velocity of 10 cm per second along x-axis is given by 11, 9, 8. Calculate its position with respect to frame S. If the two frame were in coincidence only 0.5 second before. कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो 16, 9, 8, ठीक है, कैसे करा, बहुत सिंपल था, बाकी सबका आया नहीं तो देखते हैं क्या लिखा है। द पोजिशन ऑफ पॉइंट इन फ्रेम एस डैश, तो एस डैश पोजीशन हमें पॉइंट किस फ्रेम में दिया है, एस डैश फ्रेम में, तो मतलब ये हमें इसमें एक्स डैश y डैश और z डैश की वैल्यू गिवन है 11, 9, 8 मूविंग रिलेटिव टू s विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो हमारा फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो मतलब हमें सिर्फ x डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हुए दिखाई देंगे, y और z डायरेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। कैलकुलेट इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, तो मतलब हमें x y z कोऑर्डिनेट पूछा है और कहा है कि इनिशियली कितनी देर पहले ये दोनों साथ थे 0.5 सेकेंड, तो यानी कि इतने टाइम बाद पूछा है कि क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, तो टी दिया है 0.5 सेकेंड, तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड चाहिए, तो यूजिंग इनवर्स गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो कितनी होती है x इक्वल टू x x डैश प्लस माइनस प्लस vt प्लस vt है ना, माइनस होगा तो इनवर्स में आ जाएंगे, फिर हम उसमें आ जाएंगे गैलेनियन में, y इक्वल टू y डैश एंड z इक्वल टू z डैश, तो x इक्वल टू x डैश की वैल्यू है 11 प्लस 11. V की वैल्यू है 10, T की वैल्यू है 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा ये, तो 11 प्लस 5 16, Y इक्वल टू Y डैश है तो 9 एंड Z इक्वल टू Z डैश है मींस 8, तो कोऑर्डिनेट हो गए 16, 9, 8 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। तो अगर किसी ने नहीं किया है तो वो नोट डाउन कर लेना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा और इम्पोर्टेंट है वो। अब इस तरीके के हम सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज कर दें कर सकते हैं, वेलोसिटीज की वैल्यू चेंज कर दें तो कर सकते हैं, सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस कौन सी चीज की वेलोसिटी हमें गिवन है, बॉल की वेलोसिटी गिवन है तो किस किस के रिस्पेक्ट में गिवन है। अगर मैं इसको चेंज कर देती कि मुझे वी यू गिवन है, यू डैश गिवन है, वी बताओ, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किसकी वेलोसिटी पूछी गई है और क्या हमें गिवन है। अगर ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन टू इनर्शियल फ्रेम इज इनवेरिएंट अंडर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन, और करके है यूज गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन टू प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is invariant in two inertial frame। Important डाल लेना क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या पूछ रहा है। Show that the distance between any two points in two inertial frames is invariant under Galilean transformation equation, or use Galilean transformation equation to prove that the distance between two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is invariant in two inertial frames। तो पहले टू इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर लीजिए, उसमें पॉइंट्स बना लीजिए, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए कि टू पॉइंट्स की डिस्टेंस एक फ्रेम में कितनी होगी, और फिर जब हम गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाएंगे तो दूसरे फ्रेम में कितनी होगी, तभी हम बता पाएंगे कि वेरिएंट है कि इनवेरिएंट है। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डिस्टेंस, डिस्टेंस किसकी, टू पॉइंट्स की, तो हमें टू पॉइंट्स चाहिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक फ्रेम में एक ही पॉइंट मान रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए टू पॉइंट्स की बीच की, तो यानी कि अब हमें दो पॉइंट्स चाहिए इन टू इनर्शियल फ्रेम्स, दो इनर्शियल फ्रेम्स है हमारे पास इन इनवेरिएंट। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे और दो ही इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करने पड़ेंगे। अब वो अलग बात है कि हम पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने पी ले लिया, एक पॉइंट हमने क्यू ले लिया। कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे बल्कि इसने कोऑर्डिनेट्स दिए भी थे हमें, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 विद रिस्पेक्ट टू S, एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2 विद रिस्पेक्ट टू S। S डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसको डैश के टर्म्स में लिख लेंगे, सेम ऐसे ही x1 डैश y1 डैश z1 डैश, और ये Q पॉइंट हो जाएगा x2 डैश y2 डैश z2 डैश, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब पहले तो आपके ऊपर है कि जो हम S डैश फ्रेम है हम एक ही डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं, दोनों में कराना, दो डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं या तीनों डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आपको जो ये वेलोसिटी वी लेनी है, जिस वेलोसिटी से फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में लेनी है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर आगे का रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो मैं तो बोल रही हूँ एक्स डायरेक्शन, देखो अगर हम एक्स में लेंगे तो सबसे सिंपलफाई केस है कि सिर्फ एक्स ही एक्स चेंज होना है, वाई और जेड में तो कोई चेंज नहीं होगा,
मैं तो सोच रही हूँ कि तीनों में ही ले लेती हूँ, ठीक है? हाँ तो तीनों में ले लेते हैं। तीनों में लेंगे तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेट सा दिखे। v इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ठीक है? अगर मैं तीनों डायरेक्शन में s की s डैश की वेलोसिटी ले रही हूँ तो उसमें जब अगर मैं गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात कर रही हूँ यूजिंग गैलिनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो x डैश भी चेंज होगा, y डैश भी चेंज होगा और z डैश भी चेंज होगा, ठीक है? अगर मैं v को तीनों डायरेक्शन में लूंगी तो तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, तो x डैश हमारा क्या होगा, x माइनस वी एक्स टी, y y डैश होगा y माइनस वी वाई टी और z होगा हमारा z माइनस वी जेड टी, ठीक है? अगर आपको एक डायरेक्शन में लेनी है तो एक ही ले लीजिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी हो जाएगा, y डैश इक्वल टू y हो जाएगा और z डैश इक्वल टू z हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अब ये देख लीजिए कि किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अभी डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, एस डैश के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं कि पहले एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहे हैं। हम एस डैश की वैल्यू, क्योंकि गैलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करनी है, तो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन टू होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन टू होल स्क्वायर, ठीक है? डैश, क्योंकि डैश फ्रेम में डिस्टेंस फॉर्मूला देख रहे हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इनवेरिएंट। हमने एक फ्रेम में तो डिस्टेंस निकाल ली कितनी है, d इक्वल टू एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई टू डैश माइनस वाई वन डैश का होल स्क्वायर प्लस जेड टू डैश माइनस जेड वन होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट हो गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वैल्यूज पुट करेंगे, x2 डैश की वैल्यू, x1 डैश की वैल्यू, y2 डैश की वैल्यू, y1 डैश की वैल्यू, z2 डैश की वैल्यू एंड z1 डैश की वैल्यू, वैल्यूज पुट करेंगे। अगर वैल्यूज पुट करने के बाद भी फॉर्मूला सेम इसी फॉर्म में आता है, फॉर्म की बात कर रही हूँ, डैश और अनडैश की बात नहीं कर रही हूँ, अगर सेम इसी फॉर्म में आता है जैसा एक फ्रेम में हमारा फॉर्मूला था, सेम वैसा ही फॉर्मूला का जो है वो दूसरे फ्रेम में आ रहा है, तो हम कहेंगे इनवेरिएंट है, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो गया, प्लस में कुछ टर्म आ गई, माइनस में कुछ टर्म आ गई, या स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया, या कुछ और चेंजेस हो गए, तब हम कहेंगे कि ये इनवेरिएंट नहीं है, वेरिएंट है, चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स टू डैश एक्स वन डैश इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये सिंपल एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट ले रहे थे तब लिया है, तो एक्स वन डैश कितना होगा, एक्स टू डैश कितना होगा, वाई वन डैश कितना होगा, वाई टू डैश कितना होगा, जेड टू डैश कितना होगा और जेड वन डैश कितना होगा, बताइए मुझे एक्स वन डैश कितना होगा, x1 minus vxt. हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ x1 की x की जगह x1 आ जाएगा, vx और t में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो चाहे पॉइंट p हो चाहे q हो, दोनों के लिए x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। ये हो जाएगा x2 minus vx, है ना, t, ऐसे y1 minus vyt, vyt y2 minus fees y t 2 है ना, हाँ ठीक है, फिर last z2 minus vz t
और जेड वन माइनस वी जेड टी, यहाँ पे टू और ये जेड सेम ही लग रहा है। ये सारी वैल्यूज डी में पुट करिए और मुझे बताइए डी कितना आ रहा है। मैम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट, यस मैम। यही आ रहा है सबका? यस मैम। हमने क्या किया था? हमने s डैश फ्रेम में डिस्टेंस का एस डैश फ्रेम में डिस्टेंस देखी थी टू पॉइंट्स की, गैलन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाया तो ये डिस्टेंस उन टू पॉइंट्स की किस फ्रेम में दिख रही है? एस फ्रेम। एस फ्रेम में ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फ्रेम एस, मतलब फ्रेम एस डैश में टू पॉइंट्स की डिस्टेंस में गैलन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फ्रेम एस में आ गई और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ डैश और अनडैश का चेंज है, बाकी ना यहाँ कोई एडिशनल टर्म आई है, ना ही अंडर रूट हटा है, ना स्क्वायर हटा है, सेम दोनों की फॉर्म सेम है। तो मतलब यूजिंग गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इनवेरिएंट इन टू इनर्शियल फ्रेम्स। यस मैम। ठीक है, तो लिख लीजिए लास्ट लाइन यहाँ पे, ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एस फ्रेम, दैट इज जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है। Distance between any two points in two inertial frames is invariant under Galenian transformation, और अगर कोई additional term इसमें आती, square होता, cube बन जाता, तो हम कहते change हो रही है। ठीक है, जैसे अगर याद हो जब हम velocity और acceleration हमने calculate किया था, तो उसमें भी जब velocity की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था, u dash equal to u minus v आ रहा था, तो दोनों सेम नहीं आ रहे थे, वेलोसिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जा रहा था उसमें, तो हम कह रहे थे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वैरी कर रही है, जबकि एक्सेलेरेशन के केस में ए डैश इक्वल टू ए आ रहा था। तो मतलब दोनों केस में जो सिर्फ डैश और अनडैश का फर्क है, फ्रेम का फर्क है, लेकिन एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला है वो सेम वही है, तो हम कह रहे थे कि एक्सेलेरेशन इनवेरिएंट है, तो सेम ऐसे ही हमने डिस्टेंस में यूज कर लिया। इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये लास्ट क्वेश्चन जब नोट डाउन कर ले तो बता दे, फिर वहीं पे आ जाते हैं टीम पे बात वो कर। यस मैम। डन।